दोस्तों नोकिया 9 के बारे में हम काफ़ी दिन से यहाँ पर बात कर रहे हैं और बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि पीछे की तरफ जो है पेंटा लेंस या फिर पेंटा कैमरा का जो है एक बड़ा सा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें जो है एक या फिर दो फ्लैश लाइट हो सकती हैं और 5 कैमरा का जो है सपोर्ट पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा नोकिया के अंदर जो नोकिया 9 निकल के आ रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसमें तो और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों इसमें 5.5 इंच से लेकर 6.01 तक के यहाँ पर रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इतनी बड़ी जो है डिस्प्ले हो सकती है। डिस्प्ले जो है फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन को यहाँ पर सपोर्ट करेगी और साथ ही जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो 5 का प्रोटेक्शन है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 इसमें चिपसेट है जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा, तो फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट कर लेगा, यूएसबी टाइप सी का नीचे एक पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm का हेडफोन जैक होगा कि नहीं होगा अभी तक कन्फर्म नहीं है। 4GB और 6GB दो अलग अलग रैम वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएंगे, वहीं पर 128GB तक का अभी तक पता चला है कि एक वेरिएंट ये हो सकता है तो एक हो सकता है यहाँ पर 256GB का, वो अभी कन्फर्म नहीं है। बात करते हैं पीछे की तरफ पेंटा लेंसेज की क्या क्या किस प्रकार से होंगे। जो सबसे मेन रियर कैमरा होगा वो 22 मेगापिक्सल का यहाँ पर अभी तक निकल के आ रहा है या फिर बताया जा रहा है या फिर रूमर चल रहे हैं, अभी कुछ मैं कंफर्म यहाँ पर ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 5 कैमरा सेटअप के अंदर ये हो सकते हैं। इसमें जो है डुअल 8 मेगापिक्सल के होंगे, यानी 2 8 मेगापिक्सल के, और वहीं पर जो है 2 यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के पीछे की तरफ कैमरा होंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा 5 कैमरा सेटअप यहाँ पर बन रहा है। इसमें जो है कुछ ऊपर नीचे भी यहाँ पर हो सकता है, फिर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर फिक्स है और शायद कुछ और कमाल भी इसके साथ यहाँ पर हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एंड्रॉयड 9.0 जो पाई है उसी के साथ, मतलब उसी का सपोर्ट इसको मिल जाएगा स्टार्टिंग के अंदर ही बॉक्स के साथ। जब भी बॉक्स आप खोलेंगे तो उसमें जो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। 3800 यानी 3800 mAh की यहाँ पर बैटरी की बातें हो रही है। इतनी बैटरी और 5 कैमरा का सेटअप, कुछ तालमेल तो यहाँ पर नहीं बैठा, लेकिन फिर भी जो है ठीक है। प्राइस जो है इसकी लगभग लगभग कितनी होगी, 50,000 रुपये के आसपास हो सकती है, 50,000 रुपये के आसपास ऊपर नीचे जो है लगभग हो सकती है, इतनी प्राइस जो है यहाँ पर अनुमानित की जा रही है। फिर भी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होगी और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर कितना पसंद आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ 60-70% तो हम यहाँ पर सही हो सकते हैं, बाकी 40% की यहाँ पर कोई गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन पहले बात करने में काफ़ी मज़ा भी आता है, जब बाद में निकल के आता है और कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैच हो जाती है तो काफी मजा आता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करें। आशा करता हूं दोस्तों काफी कुछ जानकारी यहां पर आपको मिल गई होगी। नोकिया 9 के बारे में ये कॉन्सेप्ट महज था जिसकी हमने यहां पर बातें की हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।